ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉकयार्ड में है, ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है। और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जो हम जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे, तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला, और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना होता है। पूरे तरह से पाइप को रोकना पड़ा, ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाय बिट 8 उसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल उसको चेक इन किए। ये 22 तारीख के शाम रात की बात है, और हमने एक्सपर्ट्स बुलाए इसके लिए, और एक्सपर्ट्स जो है ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, जो मशीन ही चलाते हैं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं, उनके ख़ास जो बंदे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में, आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है, और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने, और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया है। ये एक दिक्कत जो थी हमें, जो हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट कर पाएँ। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं, और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख को फिर हमने प्रयास शुरू की। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल मिला, एक और हमें हमारे रास्ते पे एक बाधा आई। वो था कि हमें 4-पोल पाइप मिला। फिर ये जब टनल के छत पे लगता है ये, तो ऐसे दिखता है, ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत पाइप्स हैं, ये छत के अंदर लगे होते हैं सर, ये वाला इसके बाद का जो मुड़ा हुआ था। और जब हम, ये तो बात की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे, फिर से वही बड़े बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं, इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे, हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आएँ। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया, ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए, और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी, जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया, और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय
ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था अंदर, पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के फोर पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी शॉट उसकी मतलब ग्राउंडिंग की, ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे प्रॉपर। उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग के वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफकोर्स एक्सेलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी, 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे, ये प्रयास रहता हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें, इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। एक मिनट, इसी के साथ में एक चीज और आपको अवगत कराना चाहेंगे। जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि जो पाइप आ गया, पाइप की वजह से वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ा, तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे जो पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया, वो आगे से उसका मुंह पतला हो गया, जो सर ने कहा था ना, नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका, क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे ओगर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई हैं। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे, क्योंकि आप लोगों को इसलिए अवगत कराना चाह रहे हैं कि लोगों में एक बेचैनी हो जाती है कि इतनी देर क्या हो रहा है। ओगर मशीन खराब हो गई, ओगर मशीन खराब नहीं हुई है, ओगर मशीन काम कर रही है, लेकिन ये अड़चनें ऐसी हैं जिसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाइप पतला हो गया है तो पाइप को काटा जाना ज़्यादा, एक्सपर्ट की टीम है, सब डिस्कस करते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ सारी के सारे उनके एक्सपर्ट्स के बाद में डिस्कशन के बाद में ये हुआ कि इस पाइप को काट करके पुश किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ में एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो GPR, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, GPR की है, पार्सन्स करके एक है उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो भारत भास्कर जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए, उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। NDRF के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रेंचलेस ने सपोर्ट किया, वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ कुछ हर्डल्स उन्होंने बताए, लेकिन एक जो उम्मीद की जा सकती है कि दे कुड गो अप टू 5.4 मीटर्स, उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर
5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। कंटिन्यूस मेटल में जैसे सर ने बताया कि गर्डल हो सकता है, पाइप्स हो सकते हैं, जैसे अगर तीसरी एक चीज़ होती है इसके अंदर जो ये पूरे के पूरे आपके गर्डल इसके साथ में लगे रहते हैं, प्लेट्स होते हैं, तो इन ये इस तरीके की चीज़ें ना होने की संभावना उन्होंने जाहिर की है। वो 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो संभावना जाहिर की है वो भी एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है। उसको आज हम पॉजिटिव ये मान सकते हैं कि अभी जो पाइप डाल करके आगे पुश किया जाएगा, उस समय उससे एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो GPR ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने के लिए, तभी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी हैं देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। दो मिनट आप पेशेंस रख लीजिए, मैं आई विल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ये पूरा का पूरा इसी के साथ में, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहाँ पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चल रही है, साइकेट्रिस्ट से भी, आज शाम को संभवतः आप लोगों का, हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे, मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो GPR टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था, वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहाँ तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है, वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा तकरीबन, तो उस समय हम संभवतः जो भी चीज़ है फिर उसके बाद में बताएंगे। अभी हम कितने मीटर पर हैं, कितने मीटर पर हैं, क्योंकि कल आपने बताया था 46.8। हाँ जी हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था कल 45+1.8 पे यहाँ पर आपको ब्रीफ किया गया था, उसके बाद दिल्ली से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर 1.2 मीटर उसके बाद जो पुश हुआ था, तो 45+1.8 था, उसके बाद 1.2 मीटर और पुश हुआ था, तो 48 आपका हो गया था, उसमें से कुछ पाइप हमारे को काटना पड़ा है, लेकिन संभवतः जहाँ तक पाइप जा चुका है वहाँ तक तो फटाफट चला जाएगा, और उसके आगे भी जो हमारी टीम है जैसे सर ने बताया कि वो जाकर के मैनुअली चेक करते हैं, वहाँ पर पाइप भी काट के लाए हैं, वो जो टीम है उसने ना केवल पाइप हमारे वाला पाइप काटा है जो अंदर जा रहा है, जो दूसरे वर्टिकल पाइप्स आ जा रहे हैं जो आपके छत में लगे होते हैं, वो भी 2 पाइप काट करके वो टीम लाई है। इसीलिए कल से तकरीबन 15-16 घंटे जो काम चला है, पूरी रात भर चला है, और जो सुबह भी अब तक दोपहर लगी है, वो पाइप काट के वो उन्होंने जो देखा उस पाइप को ऑलरेडी काट लाए। तो अगले मतलब जो अभी इमीडिएट पुश तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके आगे की संभावना हम GPR की जो रिपोर्ट है उसकी और बाकी सबकी जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव होप के साथ में, ये हम मान सकते हैं कि आगे सक्सेस मिलने की संभावना। GPR की जो रिपोर्ट है सर, उसमें 5 मीटर आपको लग रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट नहीं है। मैडम हां जी, मैडम बट आप क्या पूछ रही थी? सर टोटल कितना मीटर हुआ है? 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length, so we'll need with the first 6 meter length we'll probably reach around 51-52, and with the next 6 meter length we hope to break through. This is our own estimation and understanding. These assessments are obviously based on certain realities, but they are all assumptions, so it's not to be taken exactly, but we hope to be there somewhere. सर GPR वाली बात पूरी कर लेते हैं। GPR में जो आपने आपने पाया कि 5 मीटर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा आसान रहेगा, क्या इसके बाद की जो लेंथ है, जो बचेगी लेंथ करीब करीब 6 मीटर की लेंथ अगर बचती है, तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा GPR का, या फिर उसके आगे फिर आप उसी आधार पर चलेंगे?
आपके आपका जो सवाल था बहुत बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में, 1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले, जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़े, उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम, इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। इसमें जैसे सर ने कहा, एक लेट अस ऑल होप एंड प्रे, बिकॉज एज वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी डेज, कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकंड पाइप जो है हमारा जहाँ भी वो ब्रेक थ्रू लाए, दैट शुड बी इनफ, और हम अपने लोगों तक पहुंच पाए जल्द से जल्द। आज हम कितने मीटर? टू मोर पाइप्स। सर, डाली गई थी उससे लेंथ क्या है, जो लंबाई कितनी है, 60 है या 60 से कम है? देखिए, जैसा सर ने कहा, मैं एक चीज सर के वाले में ऐड करना चाह रहा था, जो आप लोगों को बताया गया कि GPR का प्रयोग दोबारा करने की शायद आवश्यकता ना पड़े, वो तब की बात है जब अगर हर्डल आता है और फिर सारा मशीन खोला जाता है, देन इट विल बी ट्राइड। अदरवाइज आल्सो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी का मलबा होता है वो जैसे धीरे धीरे आया है, तो उम्मीद है कि आखिरी का मलबा उसके ऊपर फोर्स कम होगा। भाई जैसे आखिरी का मलबा है उसके ऊपर जितना कम मटेरियल है, तो आखिरी में ये भी उम्मीद है कि मशीन इतनी पावरफुल है, अभी मशीन 100 से 125 टन के फोर्स पे काम करती है। जब बीच में जो प्लेटफॉर्म हिला उस समय वो तकरीबन 150 से 200 के ऊपर गई थी, तब हुआ था। और जब 45 मीटर पे हर्डल आई थी, जब वो गर्डल लैटिस गर्डल पूरी आई थी, उस समय 300 टन तक की पावर उन्होंने अप्लाई की थी, फिर भी मशीन में 600 टन तक की पावर की ये मशीन है। आप समझ सकते हैं कि मशीन बहुत पावरफुल है, प्लेटफॉर्म भी स्ट्रेंथन कर दिया गया है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 100-125 से चल रहा है, तो पुश अगर होगा तो आगे आखिरी वाले में तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्दी पुश भी हो सकता है। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रिजम्पशंस हैं, जैसा सर ने कहा, लेट्स होप एंड प्रे दैट वी शुड डू प्लीज। बाधाएं और अड़चनें कभी भी आ सकती हैं, लेकिन उम्मीद रखें। सर, मीटर कितना होगा? वही है जो कल था, उसमें बताया पाइप काटना पड़ा है, कुछ 46.8 मान सकते हैं, 46.8 हुआ। हाँ जी, 1.2 दो नहीं, 1.2 वो आपको शेयर कर दी जा रही है। हम तैयार हैं, और भी हमारे पास पाइप है, बट उम्मीद रखिए कि और पाइप की जरूरत ना पड़े, दो पाइप में हम ब्रेक थ्रू कर पाए। अगर 7 रहा सबका तो और जल्द भी हो सकता है। एक सर से एक बार वन बाय वन कर ले, पहले सर वन बाय वन कीजिए। अगर आप वन बाय वन सर इधर ले लीजिए, वन बाय वन अब तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना है? 46.8 जैसे नीरज जी ने बताया आपको कि हम 48 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हमने 1.2 मीटर, क्योंकि उस आगे का हिस्सा बेंड हुआ था, तो हमने 1.2 मीटर काट के हटाया, तो वी आर बैक, तो हम अभी 46.8 पे। शुक्रिया।